एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी कि सुबह दही में ऐसा क्या मिला के लगाएं जिससे कि आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा गोरा, निखरा और बेदाग हो जाए और चेहरे की जितनी भी काली परत है वो निकल जाए, ऐसा लगे कि आपने चेहरा बहुत दिनों बाद धोया है। क्योंकि जो दही होती है वो हमारी स्किन से सन टैन हटाती है, कालापन हटाती है और चेहरे को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, फेयर एंड ग्लोइंग बनाती है। और दही हमारी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन एंड लाइटन भी करती है, क्योंकि इसमें होता है लैक्टिक एसिड जो कि हमारे चेहरे को वाइट एंड ब्राइटन एंड लाइटन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और दही हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज भी करती है। तो फ्रेंड, जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि सुबह दही में ऐसा क्या मिला के लगाएं जिससे कि आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, फेयर एंड ग्लोइंग हो जाए और चेहरे की जितनी भी सन टैन है, काली परत है और जो कालापन है वो भी रिमूव हो जाए और चेहरा बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, फेयर एंड ग्लोइंग हो जाए। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं जिसमें हम ये दही का यूज करेंगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड, सबसे पहले हम बनाएंगे क्लेंजर, वो भी दही से। हमने यहाँ पे लिया है थोड़ी सी दही, लगभग 1 टीस्पून होगी ये दही, और हम इसमें डालेंगे 1/2 लेमन जूस। और फ्रेंड, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये फ्रेंड हमारा क्लेंजर तैयार है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि स्किन को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज करती है, वाइट एंड ब्राइटन एंड लाइटन करती है और चेहरे से काले दाग धब्बे भी दूर करती है और ये नेचुरली चेहरे को क्लीन भी करती है। फ्रेंड, सबसे पहला स्टेप है क्लीनिंग का। आप इसे अच्छे से 5 मिनट तक सर्कुलर मोशन में अपने फेस से इसको मसाज करें जेंटली। करने के बाद आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर दें। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने लिया है 1 टीस्पून दही। अब हम बनाएंगे स्क्रब और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चावल का आटा। ये थोड़ा सा दरदरा है, आप देख सकते हैं चावल का आटा, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास मसूर की दाल है, लाल वाली पीसी हुई, आप वो भी डाल सकते हैं। बस हमें 2 चीज़ें ही चाहिए और 2 चीज़ों से हम बनाएंगे स्क्रब। हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड, स्क्रब हमारे चेहरे से जो जितनी भी डेड स्किन होती है, गंदगी होती है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को रिमूव करता है और स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है, क्योंकि जितनी भी डेड स्किन होती है वो उसे रिमूव करता है। तो चलिए, अब इसे हम अपने फेस पे लगाते हैं और 5 मिनट तक अपने चेहरे की हम अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे। जो इसका सेकेंड स्टेप है वो है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग फ्रेंड हमारे चेहरे से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और चेहरे की जितनी भी डेड स्किन होती है उसे रिमूव करता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा अपने फेस पे लेना है और इसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में आपको स्क्रबिंग करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके स्टेप्स अच्छे नहीं चल रहे, मतलब आपके हैंड जो है स्मूथ नहीं चल रहे, तो आप इसे थोड़ा सा रोज वाटर से, नॉर्मल पानी से इसे गीला कर सकते हैं। 5 मिनट स्क्रबिंग करने के बाद आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर दें। अब हम बनाएंगे दही का फेस पैक, कर्ड फेस पैक। तो हमने यहाँ पे दिया है 1 टीस्पून दही और फ्रेंड हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन। आप चाहें तो इसमें मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, या आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं या चंदन पाउडर, सैंडलवुड पाउडर भी डाल सकते हैं। हम इसमें डालेंगे जस्ट अ पिंच कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी भी बहुत ही अच्छी होती है, हमारे चेहरे से काले दाग धब्बों को रिमूव करती है और चेहरे को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, फेयर बनाती है, जो कि अक्सर जो दुल्हन के जो उपटन होते हैं उसमें कच्ची हल्दी का यूज़ किया जाता है। और लास्ट में इसमें डाल देंगे 6 to 7 drops ऑफ लेमन जूस एंड इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड, ये हमारा फेस पैक तैयार है, अब हम इसे अपने फेस पे लगाएंगे। और जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है फेस पैक, जो कि हम दही से बनाएंगे। जैसे कि आप नॉर्मल फेस पैक लगाते हैं, वैसे ही इसे अपवर डायरेक्शन में मोटा मोटा अपने चेहरे पे लगाना है। आप चाहें तो इसे हैंड्स पे और अपने नेक पे भी लगा सकते हैं।
और फ्रेंड जब ये फेस पैक अच्छे से सूख जाए तो आप रोज वाटर से, कच्चे दूध से, दही से या फ्रेश एलोवेरा जेल से 1 से 2 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करें और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर दें। तो फ्रेंड ये था कि सुबह दही में ऐसा क्या मिला के लगाएं जिससे कि आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, फेयर एंड ग्लोइंग हो जाए और साथ ही साथ आपके चेहरे का कालापन भी हट जाए। आप एक ही बार में देखेंगे कि आपके चेहरे के जितने भी जो कालापन है, डिसकलरेशन है, जो कि हमारे अराउंड द माउथ और जो यहाँ पे जो फोरहेड ब्लैक हो जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा पैची हो जाती है, वो भी रिमूव होगा। और आप इसे कब कब यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे आप जो मैंने आपको पहले क्लींजर बताया था वो आप जो है रोज़ यूज़ कर सकते हैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए। पैक आप हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं और जो स्क्रबिंग है वो भी आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। आप चाहें तो तीनों स्टेप को 10 दिन में 1 बार भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है दही, क्योंकि हमारे चेहरे को ब्राइट, फेयर एंड ग्लोइंग बनाती है। तो अगर आप तीनों को यूज़ करेंगे तो एक तरह से ये योगर्ट कर्ड फेशियल माना जाएगा। और अगर आप इसे चाहे डेली स्किन केयर रूटीन में भी फॉलो कर सकते हैं। पैक आप रोज़ लगा सकते हैं, क्लीनिंग आप रोज़ कर सकते हैं, बाकी स्क्रबिंग आप हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार करना। फ्रेंड आई होप मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी कि दही में ऐसा क्या मिलाएं जिससे कि आपके चेहरे का कालापन, सनटैन दूर हो जाए और चेहरे की काली परत भी उतरे और चेहरा बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, फेयर एंड ग्लोइंग हो जाए। सो आई होप मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई होम रेमेडी, नई DIY या नए किसी स्किन केयर के साथ। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।